Assalamu alaikum ji, I hope you all are doing good and enjoying good health. Welcome back to my channel with an amazing video. In today's video, we are going to discuss about the advanced medical nutrient therapy for cardiovascular disorders. Cardiovascular disorders name se hi hame pata chal raha hai ki hum log heart ke related jo hai wo discussion karne ja rahe hain. Heart mein ab hamare paas different disorders aa jaate hain jisme myocardial infarction aa jata hai, heart attack means, and iske ilawa hamare paas angina और वैसोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है. तो ये तमाम डिसऑर्डर्स को हम अपनी डाइट के थ्रू कैसे डील कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो एंड तक वीडियो देखिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहिएगा. So first of all, we have to know what is myocardial infarction and heart attack. The plaque known as atherosclerosis can rupture, causing a blood clot to form that blocks the artery or travels somewhere else in the body, causing blockage at that site and reduce blood flow, cause ischemia to heart issues, which leads to tissue death. Definitely, अगर आपका जो vessels हैं, blood vessels जो हैं हमारे पास, बेशक arteries हों, capillaries हों या फिर veins हों, ठीक है, उनमें अगर किसी भी किस्म का कोई blockage है, कोई plaque है और form हो रहा है, then definitely जो हमारी जो blood की supply है उसमें issue आएगा, जिसकी वजह से हमारा जो heart है वो proper function नहीं perform करता, तो हमें heart attack आ सकता है. देन द रिजल्ट कैन बी मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट अटैक और स्ट्रोक. मीन्स हार्ट की पंपिंग जो है वो रुक गई है, उसने प्रॉपरली काम करके दिल काम करना बंद करते हैं, देन डेफिनेटली हमारे जो बॉडी का फंक्शन है वो भी बंद हो जाता है. तो दिल के ख्याल के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, हम कौन सी डाइट है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हम डिस्कस करते हैं. देन अगर आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक, इसके साइन एंड सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेगा, आपको सीवियर टू इंटॉलरेबल पेन होगी, ठीक है, मतलब आपकी जो लेफ्ट साइड है आपकी बॉडी की चेस्ट में आपको पेन होगा, देन नोजिया या वॉमिटिंग भी हो सकती है, वीकनेस आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है, पेल्पिटेशन, स्किन कूल, चॉकिंग एंड रेस्टलेसनेस, मीन्स आपको ऐसे फटीक सा फील हो रहा होगा, और क्योंकि दिल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, उसकी पंपिंग रुक गई है, कोई भी जिस्म का हिस्सा जो है वो प्रॉपर जब काम नहीं करता, देन पूरे के पूरे जिस्म पे उसके असरात जो है वो हमें नजर आते हैं. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स. रिस्क फैक्टर्स मीन्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकता है. देन एलिवेटेड एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अगर आपका एलिवेट हो रहा है, ठीक है, मतलब हम लोग अगर ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, देन डेफिनेटली वो जाके एक्युमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी में, हमारी वेसल्स में, जिसकी वजह से हमें जो है हार्ट अटैक का सामना करना पड़ सकता है. देन वी हैव डिक्रीज्ड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, स्मोकिंग इज़ अ मेजर काज ऑफ एवरी प्रॉब्लम लाइक हार्ट अटैक, कैंसर एंड एवरीथिंग. लेक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप बैठे रहे हैं, आप ओबीज हो रहे हैं, देन अगर आप ओबीज हो रहे हैं, देन आपको हाइपरटेंशन हो रही है, देन आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है. देन स्ट्रेस इज अ मेजर इशू, अगर आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अगर आप किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आपने कोई सडन कोई आपके कोई ऐसी न्यूज़ मिली है जो आपके लिए थोड़ी सी अलार्मिंग थी, देन भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है. इसके अलावा ओबेसिटी इज अ मेजर काज, क्योंकि आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, आपकी एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं, आप हेल्दी फूड नहीं ले रहे, आप जंक फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी की वजह से फिर आपको हार्ट अटैक हो सकता है. देन वी हैव डायबिटीज मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक हर एक फंक्शन जो है वो बॉडी का आपस में इंटरलिंक्ड है, तो एक का असर दूसरे को भी देखने पड़ सकते हैं. देन हाइपरटेंशन, जो कि हर एक को आजकल हर एज में हो रही है, ठीक है, किसी को कोई स्ट्रेस है, किसी को कोई टेंशन है, तो इसकी वजह से भी आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है. देन इसके असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, हम कैलोरी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, फ्लूइड रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, प्रॉपर फीडिंग रूट देख सकते हैं, देन मैकेनिज्म ऑफ डाइट क्या होगा, टाइप ऑफ डाइट क्या होगी, सप्लीमेंट्स कौन से ले सकते हैं, फॉलो अप नोट्स कर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों को हम आपस में जब इंटरलिंक करेंगे, देन हम इजीली असेस कर सकते हैं कि इट इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन और नॉट. देन इसके लिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनका इंटेक हमें करना चाहिए ताकि हमें जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर हार्ट अटैक ना आए.
और हम एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारते रहें देन इसके लिए ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है क्योंकि लोअर करता है लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन को और एंटी ऑक्सीडेंट है। देन हमारे पास योगर्ट है, ये कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। देन हमारे पास अनरिफाइंड और क्रूड वेजिटेबल्स ऑयल हो सकता है, एप्पल, पाइन एप्पल, एंड यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट फॉर दिस। अगर मैं डिटेल में चली गई देन वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। देन वी हैव फिश एंड फिश ऑयल, अब इनके क्या फंक्शन है, ब्लॉक करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को, रिड्यूस करते हैं ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन को, इंक्रीज करते हैं ब्लड फ्लो को, लोअर करते हैं फाइब्रिनोजन को। देन वी हैव नट्स, नट्स आर गुड एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड अ गुड सोर्स ऑफ सेलेनियम, अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, एंड दे गार्ड आर्टरीज अगेंस्ट रिवर्जर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो Now our video is at the end, and for more video next, in the next video we will discuss about the more cardiovascular disorders like angina and vasoconstriction. So keep tuning and keep watching, turn the bell icon and keep watching the videos. Allah Hafiz.